नमस्कार। टीचर शो एपिसोड 25 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ इस शो में हैं जो कि केंद्रीय विद्यालय कड़प्पा से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राम लोनी जी बहुत युवा और बहुत ऊर्जावान शिक्षक हैं और इतने कम आयु में ही आपने संगीत को जिस तरह से साधा है वो काबिले तारीफ है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम इस शो में आपके साथ उन सरकारी शिक्षकों को लेकर आएंगे जो सरकारी होने के साथ साथ असरकारी भी हैं, तो ऐसे ही एक और सरकारी और असरकारी शिक्षक हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, श्री राम लोहनी कड़प्पा आंध्र प्रदेश से। आप एक संगीतकार होने के साथ साथ एक अच्छे अभिनेता भी हैं, अच्छे लेखक भी हैं, अच्छे कंपोजर भी हैं, तो आज हम इनके भी सुनेंगे, हम और भी भाषाओं के गीत सुनेंगे, साथ में कुछ शास्त्रीय संगीत और रागों के बारे में जानेंगे और साथ ही कुछ जो उनका रचा हुआ है, जो उनका बुना हुआ है वो देखेंगे और उनके अभिनय की कुछ झलकियाँ देखेंगे। तो इतने सारे कार्यक्रम अगले एक घंटे में हम राम लोहनी जी के साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में राम जी लाइव जुड़ चुके हैं कड़प्पा आंध्र प्रदेश से। लोनी जी आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका फर्स्ट कमेंट होते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार लोनी जी, ठीक है। और साथ ही हमारे साथ रोज की तरह इसमें लाइव ऋषिकेश से लाइव हमारे साथ रोज की तरह श्री मुकेश गोगड़ा जी। गोगड़ा साहब नमस्कार। नमस्कार, आपको भी नमस्कार, सभी को नमस्कार। जी जी, तो 25वां एपिसोड सर आज क्वार्टर सेंचुरी पूरी हो रही है राम के साथ, और नाम ही इतना सुना तो शो कितना शुभ होगा। तो राम शुरू करें आज का कार्यक्रम। जी बिल्कुल सर। राम जी सर, जी सर। अच्छा राम जी बोलिए सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आपका प्रारंभिक शिक्षा है संगीत की, संगीत की जो प्रारंभिक शिक्षा कैसे और कहाँ शुरू हुई? मैंने बहुत पहले से संगीत नहीं सीखा है। मैं सन 2011 में संगीत के क्षेत्र में मुझे लगा कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ और बचपन से मैं इंटरेस्ट था। तो पहली बार जब मैं हल्द्वानी आने के बाद मैंने श्रीमती हेमा हरबोला जी से सा लगाना सीखा। संगीत की शिक्षा मतलब मेरी वहीं से शुरू हुई। तत्पश्चात श्री चंद्रशेखर तिवारी जी और डॉक्टर मैम, जिनका कि अभी तक मेरे साथ जो हैं और पूरा आशीर्वाद मेरे ऊपर है, आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, डॉक्टर निर्मला जी। इसके अलावा हमारे कॉलेज में जो अगला सहायक हरीश जोशी जी, इन लोगों से और जितने लोगों से मैं मिलता रहा इस दौरान, कुछ थोड़ा देखिए, बहुत बड़ा संगीतकार हूँ, कंपोजर हूँ, ये भट्ट सर ने बहुत ज्यादा ले दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोशिश में लगे हैं इतना हो पाए, तैरने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कोशिश शब्द जो है ना, जी सर, वो मेरा सबसे प्रिय शब्द है और मेरा सबसे प्रिय शेर है गालिब का कि धूल के जर्रे ने पूछा कि क्या सूरज तक पहुंचना मुमकिन है, डस्ट पार्टिकल, जवाब था लगभग नामुमकिन। धूल के जर्रे ने फिर पूछा कि क्या कोशिश जारी रखनी चाहिए, उत्तर था वही मुनासिब है। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते रहिए।
वाह क्या बात, कहीं तो मिले। जी सर अच्छे। तो अच्छा राम, अभी आप युवा हैं, ऊर्जावान हैं, आप कड़पा में आप शिक्षक हैं, तो आप आपकी राय से जो छोटे बच्चे हैं उनको संगीत की तरफ कैसे आकर्षित करना चाहिए, कैसे उनकी रुचि संगीत की ओर बढ़ानी चाहिए ताकि वो गूगल और इंटरनेट से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। मैं इस सवाल में एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा। राम जी सुन रहे हैं आप मेरे को? राम जी आप मैं इन्होंने कहा कैसे करना चाहिए, मैं इसके साथ एक और जोड़ना चाहूंगा, क्यों जोड़ना चाहिए बच्चों को संगीत के साथ, क्यों जोड़ना चाहिए खासतौर से बच्चों को, जोड़ करके बताएंगे ज्यादा। ठीक है सर, मैं पहले भट्ट सर के क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि कैसे बच्चों को हम म्यूजिक की तरफ आकर्षित करें। देखिए मैं लगभग 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, छोटे बच्चों के साथ ही मैं ज़्यादा डील करता हूँ, तो जो छोटे बच्चे हैं जिद्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दी, एक शब्द है ब्रज भाषा का ढीठ, वो ढीठ होते हैं। आप उन्हें कुछ भी थोपेंगे उनके ऊपर, कुछ पढ़ाएंगे, वो नहीं समझेंगे, उनको बहुत प्यार से समझाना पड़ता है। अब मैं किसी बच्चे को बिठा के या पूरी क्लास को बिठा के सिखाने लगूं कि आज हम यमन सीखेंगे, आज हम ये सरगम गाएंगे, आज हम ऐसा करेंगे, बच्चे नहीं समझ पाएंगे। बच्चों को समझाने के लिए आप उनकी पाठ्यक्रम की कोई पोयम ले लीजिए, या फिर उनका कोई पसंदीदा गाना जो वो लगभग लगभग गाते हैं, ऐसा पहले एक माहौल बनाना है, पहले एक माहौल बनाना है कि बच्चा उस चीज में रुचि ले। वो रुचि लेना शुरू कर देगा तब वो आपको सुनेगा भी और समझेगा भी। फिर आप उससे कितनी भी कठिन चीज सिखाएंगे, एक बार अगर वो रॉ में आ जाएगा तो वो कुछ भी सीखेगा। दूसरा, बहुगुणा सर ने पूछा कि संगीत शिक्षक क्यों, संगीत अपने आप में मुझे लगता है कि अपने आप के जो आज के बच्चों को बोलेंगे सुबह सुबह बैठो और प्राणायाम करो, सुबह सुबह बैठो और योगा करो, बच्चे नहीं होते हैं। लेकिन अगर संगीत की उनको लग गई, अगर वो संगीत सीखना शुरू किया, रोज रियाज करना अगर उन्होंने शुरू किया, बहुत सारी चीजें वो ऐसी हैं कि उसमें कहाँ योग हो रहा है और कहाँ उनको उसका बेनिफिट मिला है पता भी नहीं लगेगा। और दूसरी चीज ये है कि हमारी जो संस्कृति है, संगीत हमें बहुत कुछ सिखाता है। हम आजकल का जो किशोर वर्ग है जिनको हम देखते हैं कि हम आप लोगों को देखते हैं कि आप लोग जब हमारी उम्र होंगे तो आप कैसे रहे होंगे, और हम अपने आप का भी आकलन करते हैं, हमें ऐसा लगता है बच्चे कहीं ना कहीं चीजों को समझ नहीं पा रहे, वो भाव के बारे में कुछ नहीं जानते, वो गीतों के बारे में कुछ नहीं जानते, वो शब्दों के बारे में कुछ नहीं जानते। तो इस चीज को सिखाने के लिए संगीत का बच्चे को सिखाना बचपन से जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। बड़जी बोल रहे हैं क्या? जी ना, हाँ जी हाँ, मैं सामने सुन रहा हूँ। राम आपने जो जवाब दिया, मुझे उम्मीद है कि बहुगुणा जी शायद आपके जवाब से बहुत जरूरी जवाब, अच्छा जवाब रखेंगे। तो अब थोड़ा सा ये मैं सवाल इसलिए मुझे लग रहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, बहुत सारे शिक्षक साथी भी इसको देखते हैं, तो ये बात उनको भी महसूस होनी चाहिए कि जो संगीत को अगर हम बच्चों के साथ शिक्षा के साथ में जोड़ के देखेंगे तो शिक्षण बहुत सहज हो जाएगा, रुचिकर हो जाएगा, सहज हो जाएगा। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल राम जी, राम हमारे साथ दोबारा जोड़े सर, ये हमारे साथ बहुत सारे साथी लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। त्रिपाठी फोक सिंगर है, वो कह रहे हैं कि सबको नमस्कार, अपूर्वन दिल्ली से रोज की तरह सबको नमस्कार दे रहे हैं, मनोज ज्योति जी हैं साथ में, और रामाश्रय सिंह जी टेहरी से सबको याद कर रहे हैं, व्यापक जोशी एक और हमारे संगीत के शिक्षक साथी हैं जो राम लोनी को देखकर बहुत प्रसन्न है, कह रहे हैं बड़ी खुशी हुई राम को देखकर, और हमारे दोहा का नवनीत चौधरी विदेह भी इस कार्यक्रम में लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश जुगरान साहब प्राचार्य गायक देहरादून से हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं और सभी को नमस्कार कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो देख तो रहेंगे लेकिन हम तक नहीं आई है।
ज्योति गांधी जी जो सर, आप आपने काफी सारे संगीत के शिक्षकों के साथ कार्यशालाएं की। आ गए राम सर, ये राम फिर से हमारे साथ आ गए सर, हम राम रोनी जी का स्वागत कर रहे हैं फिर से। हाँ राम, नेटवर्क की कुछ दिक्कत हो गई थी मुझे लग रहा है। जी सर, राम मेरी आवाज आ रही? फिर से वो डिस्कनेक्ट हो गया सर। तो सर मैं चर्चा कर रहा था आपसे कि अभी कुछ साल, 4-5 साल पहले, सर आप मुझे सुन पा रहे हैं जोशी सर? जी 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 सुन रहा हूँ। हाँ बोलिए, आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? हाँ सर, मैं आपसे, हाँ राम, राम आप जी, कनेक्ट जी, हैं? जी, मैं कनेक्ट हूँ जी, बिल्कुल। ये नेटवर्क आपसे और हम सबसे नाराज है, कह रहे हैं जब तक आपको सुनाएंगे नहीं मैं ऐसे ही करता रहूंगा। तो इससे पहले कि फिर से पहले आपको सुना दीजिए पहले जी, आगे की बात करें। बता दीजिए आप क्या सुनाने वाले हैं। एक भजन से शुरुआत करूंगा। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। थके पाँव है, दूर गाँव है, अब तो कृपा कर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। क्लेश द्वेष से भरा ये मन है, मेला मेरा तन है। तुम कृपाला दीन दयाला, तुमसे ही जीवन है। इस तन मन को उपवन करने का वरदान अमर दो। तुम करुणा के सागर हो, मेरी गागर भर दो। हाथ जोड़ कर खड़ा हूँ द्वारे, दोनों हाथ में जोड़े। परम पिता तुमको मैं मानूं, पिता न बालक छोड़े। दास नारायण करे अर्चना, मेरी पीड़ा हर लो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। वाह बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बढ़िया राम, बढ़िया। सबको मैं आप सब को बताना चाहूंगा कि अभी वो आंध्र प्रदेश में कड़पा में अपने आवास पर जो है निर्गन किए गए हैं कोरोना के कारण। वो भी क्वारंटीन में है, एकांतवास में है, तो उनके पास आज इक्विपमेंट नहीं है। जी जी, गिटार और जो हारमोनियम तबला जो होना चाहिए था। आप सभी से क्षमा मांगना चाहूंगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं 14 दिन की क्वारंटीन में हूँ और इसलिए गिटार और किसी इंस्ट्रूमेंट का प्रबंध नहीं हो पाया। तो मैं अभी कानपुर में ही आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। आगे अगर कभी मौका मिला तो हम आगे फिर कुछ और सुनेंगे अलग अलग। कहाँ पे हैं आप? जी मैं आंध्र प्रदेश में कड़पा जिले में, भाई सर कड़पा तिरुपति से 120 किलोमीटर पहले। जी राम, आपने कानपुर का जिक्र किया जी, क्योंकि हमारे शिक्षक को ऐसे लोग भी देख रहे हैं जो संगीत की सौ भी नहीं जानते, सा भी नहीं जानते, तो जरा उनको बताइए तानपुरा क्या होता है। बजा रहे हैं ये नया है, ये इलेक्ट्रिक तानपुरा है जहां तक मैं समझ रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे लोगों को। तानपुरा एक इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली संगीत को साधने के लिए, सा को साधने के लिए। तानपुरा एक
लौकी का जो तुम्बा होता है उससे बनता है और उसमें चार तारे होती हैं। फिजिक्स में रिसर्च इसके ऊपर हो चुकी है कि जब हम इसके तारों चार जो तार होते हैं इसमें चार तार, उस चार तार को पहले तार को हम पंचम से मिलाते हैं, फिर तीनों तारों को हम स से मिलाते हैं। जब हम चारों तारों को एक साथ प्रेस करते हैं तो उसमें से ध्वनि निकलती है जिसमें हमें लगभग सारे स्वर हमको मिलते हैं। अभी ये तानपुरा है, अब जैसे इसका मतलब सा ऐसा लगेगा कि ये सा बज रहा है तानपुरे में, हम इसको बजा रहे हैं। सा रे गा मा पा, आप कोई भी सुर बोल लीजिए आपको ऐसा लगेगा कि वो अपने आप बज रहा है। जो जो वायर है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उनको जब हम आंदोलित कर रहे हैं उससे जो साउंड आ रहा है उस साउंड की सहायता से हम संगीत को गाते हैं। और ये बहुत ही जरूरी इंस्ट्रूमेंट है संगीत के विद्यार्थियों के लिए। आपके पास हारमोनियम हो ना हो, कोई इंस्ट्रूमेंट हो ना हो, आप तानपुरा अपने पास जरूर रखिए, और कभी भी आपको गाना हो तो तानपुरे की सहायता से गाइए, इससे आपका सुर सधेगा। और उसके बाद इसमें इलेक्ट्रिक तान खा ली कानपुरे में नॉर्मली चार तार होते हैं जिनको आप सा पा में बांधते हैं। जी पा सा सा फिर खरज, खरज के लिए एक तार जो मोटा तार होता है सबसे लास्ट में, खरज पर हम सा और पा, सा और पा क्योंकि वो अपनी सिचुएशन चेंज, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं इसलिए पर्टिकुलर राग, जी पर्टिकुलर राग के हिसाब से ये तार चेंज हो जाएगा। जैसे हम राग बागेश्वरी गाएंगे तो उसमें पंचम नहीं लगता, प नहीं लगता, तो हम उसको म से मिला देंगे। अगर हम कोरवा सोनपुरिया सोनी वगैरह गा रहे हैं तो नी से मिला देंगे, वो अकॉर्डिंगली जो भी हम राग गा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको मिला लेंगे। आपके तानपुरे में सब्जी का कितना बड़ा योगदान है कि आपने घी के उसको तुम्बा बनाया। और एक खास बात यह है कि हमारे देश में दो जगह के तानपुरे बहुत प्रसिद्ध हैं, मिरज के और कलकत्ता के। वो इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि वहाँ घी की खेती बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ घी की खेती बहुत अच्छी होती है इसलिए वो इंडस्ट्री वहाँ पे डेवलप हुई। आपको सुनाई दे रहा है? मैं क्या जी, बिल्कुल सर बिल्कुल सुनाई दे रहा है। राम जी एक चीज थोड़ा जानकारी के लिए पूछना चाहूंगा कि इसमें चार तार होते हैं, सितार में सात तार होते हैं, वीणा में भी सात तार होते हैं, अंतर क्या है? सब लगभग एक जैसे ही तार के जैसे होते हैं बुनियादी सर। बेसिक डिफरेंस है, सबसे बड़ा जो बेसिक डिफरेंस है वो है फ्रेट्स। तानपुरा आपको बिल्कुल प्लेन मिलेगा, उसमें प्लेन और बस चार तार होंगे जो आपको इस सीक्वेंस में बजाना होता है। सितार में फ्रेट बोर्ड्स लगे होते हैं, मेटल के फ्रेट बोर्ड्स होते हैं जिसके हिसाब से आप सुर को आइडेंटिफाई करते हैं। मेटल के फ्रेट बोर्ड के कारण वो अलग हो जाता है, ये दोनों बिल्कुल अलग है। आप जब इन्हें करीब से देखेंगे तो आप बिल्कुल अलग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। संगीत के विद्यार्थियों को तानपुरे से शुरू करना चाहिए या वीणा से या सितार से? तानपुरे से, ऑब्वियसली तानपुरे से। ऑब्वियसली तानपुरे, लेकिन जिस दिन दिनेश चंद पाठक जी आएंगे उनसे रिक्वेस्ट करेंगे वो तानपुरा लेकर आए अपने साथ, अपने साथ तानपुरा लेकर आए, क्योंकि तानपुरा में फ्रेट्स नहीं होते इसलिए वो जो ये लोग जब आंदोलित करते हैं तो चूंकि फ्रेट्स नहीं है और हमेशा प्रैक्टिस तानपुरे से ही करनी चाहिए। सितार है, सितार इंस्ट्रूमेंट जब हम बजा रहे हैं उसके साथ भी हमको तानपुरा लगाना पड़ेगा सुर के लिए। सितार को भी एक बेस नोट चाहिए, वो तानपुरे में उसे मिलेगा। मतलब तानपुरा कॉमन चीज है जो हर एक इंस्ट्रूमेंट के साथ गायन के साथ काम आएगा। जो इंस्ट्रूमेंट वातावरण पैदा करता है। भगवान जी आपका सवाल बहुत अच्छा था और हम जनता की से संगीत को समझने के लिए बहुत अच्छा सवाल था आपका जी। तो आप आगे अगला। तो राम आपकी जो पढ़ाई, आपकी पढ़ाई लिखाई तो यहाँ कुमाऊं में हुई जहाँ तक मेरी जानकारी है जी। मेरी तो आप कुमाऊं के जो कुमाऊं के लोकगीत है इससे भी आप अच्छे परिचित होंगे जी। जी जी सर, मेरी पढ़ाई सर जो मैंने बचपन मेरा बीता है वो वृंदावन में बीता है। तो मेरी जो स्कूलिंग स्टार्टिंग हुई वो मेरी वृंदावन से हुई है और उसके बाद मैं क्लास सेवन से नैनीताल में आ गया था, उसके बाद मैंने पढ़ाई कुमाऊं में की।
वृंदावन की कुंज गमन से हो आप? जी सर। अच्छा अच्छा तो आप बहुत जी आपको तो अयोध्या में होना चाहिए था। राम तो अयोध्या में होते थे, वो सतयुग मतलब त्रेता में अयोध्या में थे। मैं भी कह रहा था राम तो अयोध्या में पाए जाते हैं, अब कलयुग में आने वाले हैं। सर जो मैं ऑर्डिनरी राम हूँ सर, मेरा नाम राम है, वो राम तो यत्र तत्र सर्वत्र है, उनके अयोध्या नहीं, वो सब जगह है सर, सब जगह है। बहुत अच्छे यार, कड़प्पा कैसे पहुंच गए आप सर? कड़प्पा कैसे पहुंच गए? मेरी पहली पोस्टिंग कड़प्पा में हुई है सर, मैं केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हूँ। ओ अच्छा, केंद्रीय विद्यालय में हो? ओके ओके जी सर। हाँ देन यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यस सर। हाँ कोई कुमाऊनी लोकगीत अगर आप सुना सके तो हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा। और हम आपसे आंध्र का लोकगीत भी सुनना चाहेंगे, एक तो एक गीत भी सुनना चाहेंगे आपको। एक गाना मैं सुनाना चाह रहा हूँ, ये मुझे काफी पसंद है, क्योंकि हमारे पहाड़ की जो भी चीजें हैं, हमारे उत्तराखंड की जो भी चीजें हैं, इस गाने में सभी कुछ है, तो कोशिश करिए। पहाड़ा हो मेरे पहाड़ा उकाऊ सेना, मेर पहाड़ा मेर पहाड़ा मेर पहाड़ हरी भरी चंगाला को पीड़ा, मेर पहाड़ बिछी रही चौमा से को चीड़ा, नंदा देवी पंच चुली पुज रही आताशा, जय बद्री केदार रहो तुम्हारी छुआशा, हरिद्वार ऋषिकेश बटन दी दुनिया मगाना, मेरे पहाड़ देव भूमि हमारी छुशाना, हमारी छुशाना, नैनीताल की नैना देवी, नैनीताल की नैना देवी बागेश्वर उतरैनी, हिटो पहाड़ बोलो नहीं ओ दादा ओ बैनी, हिटो दीदी हिटो बुला वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत सुंदर। भगवान जी की फरमाइश थी एक आंध्रा का भी कोई लोकगीत, आप चूंकि आप वहां हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। हेलो, तेलुगु सीखी कि नहीं सीखी आपने? कुंचम कुंचम सर, कुंचम 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 थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ। एक्चुअली स्कूल में बच्चों को, जब हम बच्चों से बात करते हैं तो अगर हमें उन्हें क्लास में पढ़ाना है तो उसको सहज करना बहुत जरूरी है, और सहज करने के लिए जो छोटे बच्चे हैं फर्स्ट क्लास के बच्चों को हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं आता, वो आपसे तेलुगु में ही कंप्लेन करेंगे, तेलुगु में ही आपसे बात करेंगे, तो इसलिए मैंने कुछ तेलुगु वही बच्चों से जो सीनियर बच्चे थे, इतना कि मैं बच्चों को अपनी बातें समझा सकूं, इतनी सीख ली है। वाह बहुत अच्छा। भट्टी का भी एक प्रश्न है, सुन लीजिए। साउंड नहीं आ रहा मेरे को भट्टी का। भट्टी विदेह हो जाते हैं कभी कभी, सदैव विदेह खेलते रहते हैं हमारे साथ। हाँ भट्टी बोलिए। दर्जी की आवाज नहीं आ रही है, तब तक मैं चर्चा को जारी रखता हूँ। राम जी आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं? बिल्कुल सर। तो ये जो संगीत की दो शैली, जो उत्तर भारत की शैली अलग होती है और दक्षिण भारत की जो कर्नाटक की शैली बोलते हैं वो अलग होती है, इसमें अंतर क्या है, बुनियादी अंतर क्या है? सबसे राग वही है, सुर वही है, इंस्ट्रूमेंट वही है, तो इस अंतर क्या है, थोड़ा सा हल्के में समझाइए, क्योंकि बहुत जटिल बात तो नहीं समझ पाएंगे लोग। सबसे सबसे बड़ा अंतर सर सुरों का है, हम जिसे शुद्ध मानते हैं
उन्हें साउथ में कोमल मानते हैं, हम जिन्हें कोमल मानते हैं साउथ में उन्हें शुद्ध मानते हैं। दूसरा अंतर है पाठ का। हम उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए जैसे हम सारे गामा गाते हैं तो हमारा अगर हमारा हमारा जैसे ग कोमल है तो हम मतलब हमारे यहाँ 12 सुर हैं, वहां भी 12 सुर हैं, उन 12 सुरों का जो नाम है हम सिंपल बोलते हैं सारे गामा प ध नी, सात शुद्ध स्वर, शुद्ध स्वर के अलावा मध्यम तीव्र और रेग धनी कोमल। हेलो काकली निषाद, यहाँ काकली निषाद, कैशिक निषाद, ठीक है, उसके अलावा अति गंधार कोमल। हमारी जो उत्तर भारतीय प्रणाली है उसके अकॉर्डिंग वो रागों का जो श्रुति स्वर व्यवस्था है वो थोड़ी आगे पीछे, अगर हम इसको थोड़े में समझें, मैं क्योंकि साउथ इंडियन म्यूजिक मैंने सीखा नहीं है इसलिए मैं गा के नहीं बता सकता, लेकिन थोड़े में अगर हम इसे समझें तो श्रुतियों का अंतर, श्रुति जो है हमारी 22, उन्हीं को आगे पीछे करके हमने स्वरों को रखा हुआ है। राम एक रिक्वेस्ट मेरी है आपसे, आप जो भी गीत गा रहे हैं जिस भी भाषा का गा रहे हैं ना हिंदी के अलावा, तो उसको हिंदी में भी समझा दें ताकि पूरे देश के दर्शक समझ सके। जैसे आपने कुमाऊनी में गाया तो हम तो समझ सकते हैं जो कुमाऊनी जानते हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं समझ सकते। अभी आप तेलुगु गाएंगे तो उसका भी हिंदी अर्थ बताइएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। बिल्कुल जी, आप तेलुगु में गाना है, तेलुगु मतलब कि इधर आंध्र प्रदेश का वो फोक है, उस फोक में कहा जा रहा है कि नागल्लू पट्टंदी, यानी कि अपने हलों को तैयार कर लीजिए और हलों को, हलों से आप अपना जो खेत है उसे जोतने के लिए तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि जो हमारी धरती है उसमें बहुत सोना भरा हुआ है, जो कि अगर हम उसे सींचेंगे और हल से जब हम उसे जोतेंगे, जोतने के बाद जो फसल हमें मिलेगी वो मोतियों जैसी होगी, तो इस गाने में ऐसा समझाया गया है। नागल्लु पट्टंदी नागन लाया रा, नागल्लु पट्टंदी नागन लाया रा, नलमूल ला भूमि दुने ला, नागल्लु पट्टंदी नागन लाया रा, नलमूल ला भूमि दुने ला, भूदेवी गुंडे लो गंगम्मा दा गुंडी, भूप देवी चंगुना मुत्यालु राल चिंदी, मोमेती मनमु मोकी ना भंते, गंगा नदलु नु तल्ली चंगु दुल्पु नु तल्ली, गंगा नदलु नु तल्ली चंगु दुल्पु नु तल्ली, नागलु पटंदी नागन लाया डा, नलमूल ला भूमि कड़या दुनेला। अब इसका अनुवाद अगर बता देंगे संक्षेप में, अनुवाद यानी कि नागल्लू पट्टंदी, आप हल को पकड़कर खेत में जोतना शुरू कीजिए, एक किसान अपनी कमर कस लो, धरती को जोतने के लिए तैयार हो जाओ। बेसिकली जैसे हर प्रदेश में जब भी फसल बोई जाती है तो कोई ना कोई लोकगीत वहां पर गाया जाता है, तो ये लोकगीत उसी परिस्थिति के लिए है, उसी माना गया है कि जब भी आप खेत जोत रहे हैं तो अपने गाने को गाएंगे और किसान में एक जोश भरेंगे। हमारे हमारे हमने जो जो मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो देख रहे हैं शो को और जो सीसीएल में ट्रेनिंग के लिए आते हैं उनको भी हम तेलुगु एक गाना सिखाते हैं। भाजी याद है आपको गाना, भाषणनी वेरनी भाव कटले, हाँ तो फिर गाओ ना, भाषणनी वेरनी, अरे तो जितना याद उतना ही गाओ यार, संचालक हो जी, आपके लिए एक और सवाल है राम, राम आपके लिए एक और सवाल है मेरे पास कि आप युवा हैं और बच्चों से दिखते हैं, तो पहली बार मेरे बच्चों को पढ़ाने में बच्चों को लगा कि कोई टीचर है या ऐसा लगा कि हमारे साथ कोई बच्चा है? Thank you.
मेरा सवाल पहुंचा नहीं पहुंच रहा शायद। राम जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ आपको सुन पा रहा था बिल्कुल। भट्ट जी आप मेरे को बताइए सवाल को, मैं इनको बता दूंगा आपकी आवाज। हेलो आपका सवाल एक बार दोहराइए। हरे हरे राम आप जुड़े जी आपके पास सुनाई दे। हाँ राम मैं ये कह रहा था कि आप बड़े छोटे से दिखते हैं, बहुत युवा हैं, जब पहली बार आप क्लास में गए तो बच्चों को ये तो नहीं लगा कि टीचर ने हमारा कोई दोस्त आया मिलने? राम जी सुन रहे हैं, मैं इनका सवाल जवाब देता हूँ। इनका कहना है आप अभी इतने युवा हैं और जब आप बच्चों को पढ़ाने गए तो बच्चों को ऐसा तो नहीं लगा कि कोई बच्चा उनके हाथ पढ़ने आ गया है या अध्यापक है? उनको कैसा लगा, आपको कैसा लगा? बिल्कुल बिल्कुल, पहले दिन जब मैं ज्वाइन कर रहा था तब मैं ये मूछें और दाढ़ी कुछ भी नहीं था, जो भी थोड़ा बहुत है ये कुछ भी नहीं था। और मैं प्रिंसिपल सर से ज्वाइनिंग लेटर उनके पास सबमिट करने के बाद और सर ने कहा कि स्कूल देख लीजिए, मैंने कहा ठीक है। तो मैं नवी कक्षा है, नवी कक्षा में गया और नवी कक्षा में जाने के बाद जैसे ही मैं गया तो एक सर पढ़ा रहे थे पहले SSC, तो मैंने सर को पूछा कि सर मैं आई कम? सर ने बोला आइए। आते ही जैसे ही घुसा सर ने पहले सर ने बोला कि उधर बैठ जाइए, मैंने कहा ठीक है मैं उधर जाके बैठ गया। तो थोड़ी देर तक बच्चों को यही लगता रहा कि भाई कोई न्यू एडमिशन आई है और अभी ये हमारे साथ पढ़ना शुरू कर दी। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है कि बाहर से भी लोग आते रहते हैं, जो ट्रांसफर आए होते हैं तो बीच सेशन में भी कोई ना कोई आ जाता है, तो ऐसा बिल्कुल हुआ है। ये असल में भट्ट जी भुक्तभोगी इसलिए कह रहे हैं, भट्ट जी ये क्या हुआ, ये CCRT की क्लास में गए तो जो अध्यापक लोग थे जैसे ही पहुंचे उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग अंकल, जबकि भट्ट जी उनके साथ विद्यार्थी थे। तो ये भट्ट जी बेचारे भुक्तभोगी इसलिए कह रहे हैं ऐसा, उनको लगा कोई बुजुर्गवार आ गए हैं। अभी संगीत के क्षेत्र में आप युवा हैं और आजकल का दौर ऐसा है कि रोजगार पर हर चीज होती है, लेकिन जो लोग कला और संगीत के लोग हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपना भविष्य खराब कर रहे हैं एक तरह से। रोजगार के क्या क्या अवसर है और संगीत को रोजगार से कैसे जोड़ सकते हैं ताकि युवा पीढ़ी आकर्षित हो इसकी ओर? मैं आपसे सवाल करने का मेरा मूल सवाल यह है कि संगीत को हम रोजगार से कैसे जोड़ें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग संगीत की ओर जोड़ सके। मेरा सवाल समझ में आया राम? राम आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर भट्ट आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपकी आपकी राय में संगीत को आप प्रोफेशन से कैसे जोड़ते हैं, संगीत में कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनकी वजह से बच्चे उसके प्रति आकर्षित हों खासतौर से रोजगार के संदर्भ में? जी जी बिल्कुल, देखिए संगीत में हमें भी पहले लगता था, जब तक हमें नॉलेज नहीं था हमें लगता था कि हम गाना गा रहे हैं और हम सिर्फ गाना गाएंगे, हम सिर्फ एक सिंगर बन सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम एक टीचर बनेंगे। बट जब हमने पढ़ाई करनी शुरू की, हमने MA किया, MA करने के बाद जब हमने नेट एग्जाम दिया, नेट करने के बाद आगे हमें लगा कि हम इसमें अच्छा उच्च शिक्षा में भी जा सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। अब हमें लगा कि ये तो हम केवल संगीत पढ़कर जा रहे हैं, अगर किसी विज्ञान वर्ग के छात्र को संगीत में रुचि हो तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए ये किया जाए कि वो हम जो संगीत है हमारा वो बिना विज्ञान के अधूरा है, हमारे पूरे संगीत में विज्ञान है। तो ऑडियो इंजीनियरिंग एक फील्ड है जहाँ पर हम जो बॉलीवुड के गाने सुनते हैं या जो भी रिकॉर्डेड संगीत हम सुनते हैं वो ऑडियो इंजीनियरिंग के माध्यम से बच्चे उसमें अपना करियर बना सकते हैं। ग्रेजुएशन में फिजिक्स मैथ शायद मैंडेटरी है और आपको इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज होना चाहिए, उसके अलावा म्यूजिक अरेंजर और उसके अलावा आप म्यूजिक कंपोजर बन सकते हैं, मतलब कि बहुत सारे इसमें रास्ते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप गाना गाएंगे तो आप मंच प्रदर्शन के लिए, मंच प्रदर्शन अपनी जगह, मैं बेसिकली इसको 3 भागों में बांट दूंगा। जैसे एक पहला भाग हो गया मंच प्रदर्शन, दूसरा भाग हो गया टीचिंग प्रोफेशन जिसमें आप टीचर हैं PGT PRT या TGT और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, तीसरी कैटेगरी जो है वो टेक्निकल है। टेक्निकल कैटेगरी में हम साउंड इंजीनियर कंपोजर इन सबको डालेंगे, जो भी विज्ञान वर्ग से रिलेटेड लोग हैं जो हमारी आवाज़ को और कर्णप्रिय बनाते हैं। जैसे कि हम सुनते हैं कई सारे सिंगर्स को, उसमें कई सारी चीजें होती हैं,
कई सारे इंस्ट्रूमेंट को मर्ज किया जाता है, ये बहुत बड़ा साइंस है अपने आप, तो उस क्षेत्र में भी इजीली साइंस वाले विद्यार्थी जाते हैं। आपने कभी ए आर रहमान जी का संगीत सुना होगा डेफिनेटली, उनके ग्रुप में चार फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, फिजिक्स के प्रोफेसर जो उनके ऑर्केस्ट्रा में हैं, और वो कॉन्स्टेंटली ए आर रहमान उनसे डिस्कस करते हैं साइंस एंड साउंड, राइट। इसीलिए ए आर रहमान का जो संगीत है वो इतना अच्छा है। हमारे टाइम ऐसा होता था कि संगीत के क्षेत्र में इतने अपॉर्चुनिटी नहीं थे, और अभी भी ये बहुत डिफिकल्ट फील्ड है, बहुत साधना आपको लगानी पड़ती है। आपने ये कहा कि आप हल्द्वानी आए और आपने सा लगाना सीखा, जिस दिन सा लगना सीख गया, जिस दिन आपको सा समझ में आ गया, एक ही साध है सब सध है, उस दिन सारे सुर अपने आप सध जाते हैं, राइट। वो सा लगना बड़ा इम्पोर्टेंट है, राइट। वो शुरू में बहुत साधना है, उसके बाद फिर आपके सामने असीम संसार है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है आज के युग में तो स्पेशली। बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली सर ने कि जो वोकल मतलब साउंड से रिलेटेड, कि कोई भी जब हम कोई कलाकार प्रोग्राम देने जाता है तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है उसके साथ वो माइक सेटिंग को लेके होता है, साउंड सेटिंग लेके होता है। तो साउंड सेटिंग कैसे की जाए, कितनी फ्रीक्वेंसी सेट करनी है, किस इंस्ट्रूमेंट को कितनी फ्रीक्वेंसी रखनी है, आपकी आवाज का क्या लेवल होना चाहिए, ये बहुत बड़ी फिजिक्स है। और बड़े बड़े जो संगीतकार होते हैं जैसे सर ने बताया ए आर रहमान और भी बड़े जो फॉरेन के हमारे जो कलाकार हैं, वो अपने साथ एक साउंड इंजीनियर पर्सनल रखते हैं जो कॉन्सर्ट से पहले आकर उनका पूरा साउंड चेक करता है और उसके बाद वो कॉन्सर्ट शुरू होता है। तो राम, आपने जैसा कि सर ने बताया ए आर रहमान फिजिक्स के प्रोफेसर अपने साथ रखते थे, तो हमने ये सुना कि संगीत के माध्यम से चिकित्सा भी की जा सकती है, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। हाँ बिल्कुल, संगीत के माध्यम से चिकित्सा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं एमए फाइनल में था तो मेरा जो शोध प्रबंध था वो संगीत चिकित्सा ही था, म्यूजिक थेरेपी। तो उसकी रिसर्च के लिए मैंने थोड़ा बहुत जानकारी ली पहले कि क्या है संगीत चिकित्सा, हमारा जो प्राचीन काल में जो हमारे संगीतज्ञ हैं उन्होंने इसमें क्या क्या काम किया है। जैसे एक बड़ी ही फेमस उसमें स्टोरी पढ़ने को मिली थी, जो इटली का तानाशाह मुसोलिनी, उसको नींद नहीं आती थी, मतलब नींद ना आने की बीमारी थी, तो बहुत सा इलाज कराने के बाद भी वो नहीं ठीक हो पाए। तो ओमकारनाथ ठाकुर जी, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी द्वारा उनका एक ट्रीटमेंट किया गया, उन्हें पर्टिकुलर एक राग शायद पूरिया, ये एक पुस्तक में पढ़ा है कि वो सुनाया गया और उससे उनको नींद आना शुरू हो गया। तो मैंने सोचा कि क्या ये पॉसिबल है। उसके बाद मैं कुछ बच्चों से जुड़ा, हल्द्वानी की कुछ संस्थाएं हैं जैसे रोशनी सोसाइटी है और नैब है जो कि दिव्यांग बच्चों के लिए काम करती हैं, तो उन सोसाइटी में जुड़ के उन बच्चों के साथ काम करना शुरू किया कि वहाँ हर तरह के बच्चे आपको मिलेंगे, कोई चिड़चिड़ा है, कोई बिल्कुल शांत है, कोई बिल्कुल नहीं बोलता, कोई बहुत बोलता है, कोई भागता है, कोई एक जगह पे नहीं बैठा, तो आपको बहुत अलग अलग प्रकार के बहुत रंग मिलेंगे उधर। तो वहाँ से मैंने सोचा कि ऐसा क्या हो सकता है म्यूजिक के माध्यम से जो इन बच्चों को दिया जा सके, या बच्चों को नहीं, जैसे मेरा जो फर्स्ट केस स्टडी था वो एक हमारे फ्रेंड के पापा थे, उनको पैरालिसिस अटैक कर गया था, तो उनको उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा है, तो मैं रोज जाकर शाम को उनको थोड़ा थोड़ा संगीत सुनाता था और सुनाता था वहाँ जाकर जो भी भजन वगैरह या जो भी मुझे अंकल जी का मैंने इंटरेस्ट पता किया कि उनको क्या क्या अच्छा लगता है वो सुनाना शुरू किया। सुनाने के बाद जब मेरा जाना पॉसिबल नहीं हुआ तो मैंने उन्हें कुछ इंस्ट्रूमेंट और कुछ रागों की एक पेन ड्राइव में भर के उन्हें दे दिया, मैंने कहा कि सर आप अंकल को ये सुनाइए, तो उन्होंने वो सुनाना शुरू किया। अब ये दवाइयों का असर था या उस संगीत का असर था, उनको काफ़ी फायदा हुआ, बाद में उन्होंने भी इस बात को कोट भी किया कि मुझे इस चीज़ से बहुत फायदा, और बच्चों पर भी, एक बच्ची थी जिसको मैं सिखाता था उसके गले में कुछ प्रॉब्लम थी, तो सिर्फ इतना कहना कि बेटा रोज सा का अपनी आवाज़ को स्टेबल रखो, आपकी आवाज़ स्टेबल नहीं है, आपकी आवाज़ में वाइब्रेशन है, इसलिए जब आप गाते हो तो खराश जैसा लगता है। तो उसने एक आध महीना वो प्रैक्टिस किया तो काफ़ी चेंजेस देखने को मिले, मैं ये नहीं कहा पूरी तरह से सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन काफ़ी चेंजेस उससे देखने को मिलते हैं जी। बहुत एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, जानवर गायों ने बहुत ज्यादा दूध देना शुरू किया, दूध की मात्रा बढ़ी जब उनको संगीत सुनाया गया, और अक्सर भी हम देखते हैं, इसीलिए शायद अच्छे अच्छे
कॉर्पोरेट्स में, आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी सुबह शाम संगीत की लहरियां बजती हैं तो अपने आप एक एटमॉस्फेयर बनता है गाने का। तो संगीत का असर तो मानव जीवन पे है, आप सुनते हैं तो वैसे आंसू आने लगते हैं, जो सुर ऐसा होता है। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी कह रहे हैं सर, जब सरदार पटेल अस्वस्थ थे तो नेहरू जी ने उनके लिए सारंगी वादन की व्यवस्था कराई ताकि उन्हें स्वास्थ्य लाभ हो सके। बिल्कुल, इनका दूसरा प्रश्न भी था, इनका दूसरा प्रश्न भी था, वो शायद राम अच्छा उत्तर देंगे उसका। कर्नाटक संगीत को लेकर आप उस संगीत उस क्वेश्चन को भी यहाँ डाल सकते हैं। मीनवाइल मैं राम से पूछता हूँ, आप उस क्वेश्चन को डालिए। राम आप कितना पढ़ते हैं, आप कितना पढ़ते हैं, आप कितना संगीत सभाओं में जाते हैं, क्योंकि आपने जिनका नाम लिया पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी, और उनका मेरे को एक इंसिडेंट याद आता, हमारे मैंने तो नहीं देखा, हमारे फादर ने देखा था। उस्ताद अब्दुल खान साहब स्टेज पर गा रहे थे मावलंकर हॉल में दिल्ली में, और सभा में बड़े बड़े संगीतज्ञ थे। उन दिनों बड़े बड़े संगीतज्ञ दूसरे संगीतज्ञों का गाना सुनने जाते थे, आजकल तो ऐसा कम देखने को मिलता है, लेकिन अपनी ईर्ष्या, अपना द्वेष, अपनी लड़ाई, अपना घराना इतना होता है। लेकिन उस जमाने में आज से 50-60 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था, इतनी वैमनस्यता नहीं थी। तो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी चुपचाप से स्टेज में अब्दुल खान साहब के पीछे गए और तानपुरा बजाने लगे। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी जैसा स्टेचर वाला आदमी संगीतज्ञ दूसरे संगीतज्ञ के पास, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कितना सुनने जाते हैं दूसरे संगीतज्ञों को और कितनी पढ़ाई करते हैं, क्योंकि यदि आप जितना पढ़ेंगे और जितना दूसरे संगीत को सुनेंगे आपकी कला में निखार आएगा। सर संगीत कॉन्सर्ट, जब मैं अभी हल्द्वानी था, जब तक मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब करता था, तब आसपास कोई भी कॉन्सर्ट होता था या नियर दिल्ली के आसपास या कहीं भी, तो मैं बिल्कुल कोई भी काव्य गोष्ठी या कोई भी प्रोग्राम में ऐसे छोड़ा नहीं था, क्योंकि मैंने जो भी सिखा है वो सुनने से ही सीखा है। मुझे बिल्कुल पास बैठकर सीखने का मौका बहुत कम मिला है, मैंने सुन सुनकर दूसरे कलाकारों को सीखा है जो भी मुझे थोड़ा बहुत आता है। और पढ़ने की बात जो है वो तो एक आदत है कि मुझे रोज कुछ ना कुछ पढ़ना है, रोज मुझे एक पेज पढ़ कर सोना है, चाहे कुछ भी पढ़ना है। बहुत अच्छी बात, अध्ययनरत रहिए, निखार अपने आप आता जाएगा। और कोई भी संगीत सुनिए, कर्नाटक संगीत सुनिए, फोक संगीत सुनिए, सुनिए विदेशी संगीत सुनिए, सुनिए। रविंद्र जी का समझ आ जाएगी, कोई भी संगीत सुनिए तो हम भी कोई भी संगीत सुनने के लिए तैयार है। हाँ प्रश्न उसके बाद लेंगे राम, सबने पहले आदेश दिया कि कोई भी संगीत सुनिए, तो हम उसका कोई भी संगीत सुनेंगे पहले, उसके बाद उपाध्याय जी का प्रश्न लेंगे। ठीक है, एक मराठी कंपोजिशन है मुझे बहुत पसंद है, चार लाइनें उसकी सुनाता हूँ। उसमें क्यों किसान है जी, एक किसानों की कथा है, वो बोल रहे हैं कि हे प्रभु मैं हर मोमेंट आ रहा हूँ लेकिन मैं हार नहीं मानना चाहता हूँ, मुझे इतनी शक्ति दो, मेरे शरीर में इतना प्राण भर दो, इतना दम भर दो कि मैं हर परेशानी को झेल लूं। तो उसको सुनाने की कोशिश करता हूं। सवण घन गोत सार आधार कुणा चाई भेगा भूई परिजीना अंगार जीवला जली बड़ दे झुंझा जला किर पेची ढाल दे इन विति पंच प्राण जीवा रक्त ताल दे पर पल रान देवा चढ़ल शिवर तरी नाई धीर सांडला खेड़ मांडला। खेड़ मांडला मतलब कि द बैटल इज बिगिन, अब युद्ध शुरू हो गया है और हम सब सब कुछ देखने के लिए तैयार है। वाह बहुत
बहुत बढ़िया आवाज है आपकी। उपाध्याय जी ने सवाल पूछा था कि जो कर्नाटकी शैली और हिंदुस्तानी शैली है उसमें कर्नाटकी शैली में शिवरंजनी भी गाया जाता है क्या, कोई राग शिवरंजनी में, उनका सवाल है ये, शिवरंजनी राग क्या कर्नाटकी शैली में भी है या समान है इसके? रागों का सर कई सारे राग ऐसे हैं नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन म्यूजिक में जो जिनका नाम समान है लेकिन उनका स्वर अलग अलग। अच्छा अच्छा। और कई सारे राग ऐसे हैं कि जिनका नाम अलग अलग है और अलग अलग नामों से गाया जाता है, क्योंकि जो ये क्लासिफिकेशन है रागों का वो उत्तर भारतीय संगीत में हमारे पास 10 थाट है, उन 10 थाटों में हमने सारे रागों को क्लासिफाइड किया है, लेकिन साउथ का म्यूजिक जो है वो बहुत बड़ा है, वहाँ 72 थाट है, उन 72 थाटों के अकॉर्डिंग उस व्यवस्था को क्लासिफाइड किया गया, यहाँ भातखंडे जी ने उसे बनाया, वहाँ पंडित वेंकटपति जी ने उन्हें बनाया। वो शिवरंजनी के बारे में पूछ रहे थे कि शिवरंजनी क्या कर्नाटक शैली में भी प्रचलित है, एक पर्टिकुलर राग है मेरी शिवरंजनी? उत्तर भारतीय में तो है ये मुझे पता है, थोड़ा मुझे साउथ का सा जानकारी नहीं है, और होगा कोई ना कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बिल्कुल जरूर होगा, मुझे जैसे ही पता चलेगा मैं इसे कमेंट करके सबको जरूर बताऊंगा। बहुत सारी समानताएं होती है, जैसे कि हमारे जो जैसे कुमाऊनी गाने हैं या गढ़वाली गाने हैं, आप जाएंगे तो सिक्किम में भी उसी धुन में मिल जाएंगे, हिमाचल में भी मिल जाएंगे, आसाम में मिल जाएंगे, लेह लद्दाख में मिल जाएंगे, भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है, नेपाल में भी, और जब हम जाते हैं पहाड़ में समझ में आता है कि पहाड़ का है ये, वो समझ में आ जाता है। राज्य अलग अलग है सर, भाषाएं अलग अलग है, गीत अलग अलग है, लेकिन उनके पीछे राग है, उनके पीछे वो एक ही है। जी जी राम, हमारा एक सेगमेंट है जिसमें जोशी सर दो सवाल रोज पूछते हैं और उनके जवाब हम दर्शकों से लेते हैं, लेकिन बहुत कम उसके जवाब मिल पाते हैं, तो कल का पहला सवाल इसके बाद हम राम दोबारा आपके पास आएंगे। किसी का उत्तर आया पहला सवाल सर? किसी का उत्तर आया नहीं सर, मेरे पास तो कोई उत्तर नहीं आया। नहीं सर, कोई उत्तर नहीं आया। भगवान जी के पास? नहीं सर, मेरे पास भी कोई उत्तर नहीं आया। एक टर्म जो अभी शायद वर्ल्ड कप और आईपीएल में बहुत उस पर डिस्कशन हुआ, लेकिन ये एक टर्म जो थी वो 1947-48 में इंडिया ने दी थी, इंडिया ने क्या दी थी, कमेंटेटर ने दी थी, जिसको वो हो रहा था, उसका नाम हमने रख दिया था मांकड़िंग, मांकड़िंग, मांकड़िंग याद है आपको? दिनु मांकड़ जी ने उस डब्ल्यू ब्राउन को आउट किया था, और हमारे टाइम तो दिनु हमसे पहली पीढ़ी के थे, लेकिन हमारे टाइम जो स्कूल में थे उनके लड़के अशोक मांकड़ जो थे वो अपना ओपनर हुआ करते थे, लेकिन मांकड़िंग जो थी वो टर्म इंडिया ने दी थी कि बॉलर बॉल करना शुरू करता है, बॉलर रनअप लेता है, लेकिन और जो अंपायर के पास जो रनर खड़ा होता है बैट्समैन वो क्रीज छोड़ देता है, लेकिन रूल ये है कि जब तक बॉल हाथ से न छूटे तब तक आप क्रीज नहीं छोड़नी चाहिए, आपको यदि याद हो। आपकी जानकारी ये बता दूं, ये रूल एग्जिस्ट में था लेकिन हाँ, ये थोड़ा अनएथिक माना जाता है, इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता, अनएथिकल, लेकिन है अभी भी हुआ, आपको यदि याद हो वेंबन होल्डर होल्डिंग था या वेंबन होल्डर थे, उन्होंने पाकिस्तान ने हारा वो मैच वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान जीता, वेस्ट इंडीज हारा, लेकिन वो एथिकल जीत हुई थी वेस्ट इंडीज की, क्योंकि उसने क्रीज, वेस्ट इंडीज के बॉलर ने जावेद मियांदाद को वापस बुलाया क्रीज पर कि भैया तू इधर आ जा नहीं तो मैं आउट कर दूंगा करके, तो मांकड़िंग जो टर्म थी वो 47-48 में अंपायर कमेंटेटर द्वारा दी गई, मजबूरी है उसकी, रूल कहता है वट इज सेम, मतलब सर देखिये खेल खेल है, आपको यदि याद हो कपिल देव ने एक बॉलिंग की दिल्ली के फिरोजशाह कोटला ग्राउंड में, बॉलिंग की और इंग्लैंड का प्लेयर था या ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर था, उसने
बॉल रुकी नहीं थी, उसने हाथ से छुआ। पूरे 11 खिलाड़ियों में से सिर्फ कपिल देव थे जिन्होंने अपील की, 11 के बाकी 10 खिलाड़ी जो थे ना वो बड़े पेशोपेश में थे कि हम अपील करें या नहीं करें, बट कपिल देव इंसिस्टेड दैट ही इज आउट बिकॉज ही हैंडल्ड द बॉल। अब चाहे आप उसको अनएथिकल कह दें या कुछ कह दें, पर रूल इज अ रूल। बिल्कुल रूल इज अ रूल, और आंकड़ों में सर हार और जीत जाती है, नहीं जाती। बस 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 बिल्कुल ठीक। दूसरा प्रश्न का रूपा मिश्री ने उत्तर दिया था, मैंने दोबारा चेक किया। दूसरा सवाल दूसरा सवाल है जापान में जी, ये बड़ा वैसे मतलब कहना चाहिए कॉमन सेंस वाला सवाल था। सबसे पहले घास उगी, घास, और घास में सबसे पहले उगा बेंबू, बांस। तो बांस की जो घास थी ग्रामीण फैमिली का पौधा कहते हैं, वो एटमी परीक्षण एटमी अटैक के बाद एटम का जो अटैक हुआ तो बांस की खेती सबसे पहले हिरोशिमा नागासाकी में हुई। मेरे को सर क्वेश्चन क्वेश्चन आपको पोस्ट करते हुए मेरे को गोपाल जी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि इनसे बांस के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हमने हमारी अधूरी छूट गई थी जी। हम सिर्फ बांसुरी में ही अपना निश्चित हो गए थे, लेकिन बांस अपने आप में एक बहुत ये तो मेरे पास आपके दो सवाल और हैं, अब चार पांच प्रश्न आपके पहुंच गए, लेकिन आज आपने ये सिलेक्ट किया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहली इमारत के स्थापना पाठ्यक्रम को। नहीं नहीं दो सवाल और हैं, बड़ा लंबा सा सवाल था, दो बड़े लंबे सवाल हैं आपके पास, आपने कहा वो आएंगे नहीं, मैंने कहा आप उसको लिख के दे दिए रनिंग कमेंट्री में, उसके उसके उत्तर उसके उत्तर बहुत आसान है। सर अच्छे सवालों की खासियत है कि जिसके आसानी से उत्तर दे पाएंगे लोग, बड़े इंटरेस्टिंग है सवाल ये सर। ये सॉफ्टवेयर 200 डिजिट से ज्यादा का सवाल नहीं लेता एक बार में, सर दिक्कत है। तो रनिंग में दे दो ना, जहाँ आप अपना ईमेल दे रहे हो रनिंग में दे दो सवाल को, पढ़ लेंगे सवाल। आप अभी फिलहाल इनके सवाल पढ़ लीजिएगा। ये स्थापना किसने की, स्थापना पत्थर किसने लगाया, मदन मोहन मालवीय जी ने तो ठीक है स्थापना की, लेकिन पत्थर ज्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट है, शायद बनारस वालों को भी नहीं पता है, वही भूल गए आप। दूसरा प्रश्न है सर, आज के दिन कौन से प्रसिद्ध यात्रा प्रारंभ हुई थी और किसके द्वारा, विश्व प्रसिद्ध यात्रा प्रारंभ हुई थी और किसके द्वारा, ये दो प्रश्न आज के हैं जी। तो राम भाई हम चर्चा कर रहे थे जी सर आपसे संगीत को लेकर के, लेकिन आप मंच के भी कलाकार हैं, आपने रंगमंच पे भी काम किया है, तो कुछ नाटकों कुछ अनुभव बताइए आप अपने की, सबसे बेहतरीन नाटक आपको आपने जो खेले अब तक कौन सा लगा और क्यों? नाटक जो मैंने पहला स्कूल टाइम पर ऐसे ही नाटक खेलते थे, लेकिन मैं एक व्यक्ति का नाम यहाँ पर लेना चाहूंगा आपके इस बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिसका मुझे बनाने में मतलब मेरे व्यक्तित्व को मैं जितना भी आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ आपसे रूबरू हूँ, जो भी मेरी भाषा शैली है उसको निखारने में जो आदमी का अहम रोल है वो है श्री अनिल सनवाल जी, और उनके माध्यम से मुझे नाटक के बारे में पता चला, उसके बाद मैंने आपके साथ भी बहुत सारा काम किया है, आपने मुझे अपने सानिध्य में रखा, और आपके साथ मैंने जो CCRT की वर्कशॉप थी जिसमें NSG से वंदना वशिष्ठ जी ने जो डायरेक्ट किया था वो हमने दिल्ली में भी प्ले किया था, और उसके अलावा एहसान बख्श जी, कुछ ऐसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स, और एक BNA के डायरेक्टर हैं सर का नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, उनके साथ भी काम किया, तो काफी अच्छा अनुभव लगा। रंगमंच आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से निखार देता है, आप कहीं चार लोगों के सामने बोलने के काबिल हो जाते हैं, और अपनी अभिव्यक्ति को एक्सप्रेस करने का तरीका आपको आ जाता है कि कहां पर कैसे बोलना है, किन शब्दों में बोलना है, कौन से शब्द
सही रहेंगे, ये चीजें आपको रंगमंच सिखाता है। क्योंकि जो रंगमंच है वो मनमोहन चौधरी, मनमोहन चौधरी जी और सतीश सालुके जी की जय। आपकी भी जय सर। मगुड़ा जी विदेह हो जाते हैं। हाँ चलिए राम। हाँ थिएटर और संगीत मतलब कलाएं तो जिंदगी का हिस्सा है जी सर। आर्ट राम शायद फ्रीज हो गए सर, मुझे लग रहा है राम का। राम मुझे कि आपने गुरसे हाँ आप मैंने पहला जो नाटक किया था ऑन स्टेज वो बकरी तो आपने जो सर्वेश्वर दयाल तो नाटक के बारे में बताया नहीं बकरी आ करी ना वो करी गांधी जी की बकरी। जी जी बिल्कुल, बकरी जो प्ले था वो हमने किया और उसके अलावा मैंने महाभोज विसर्जन एक था गधा बहुत सारे उसके बाद तो आपके साथ भी पर हमें खेलना है और परिंदे बहुत सारे प्लेस जो थे वो काम किया है और काफी अच्छा लगा। रंगमंच का भी अपना अलग मजा है, एक दुनिया है रंगमंच की अलग। हाँ, हम सब इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं। बिल्कुल राम, उनमें से कोई एक कैरेक्टर का कुछ अगर याद हो आपको हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा झलक दिखला दीजिए। बिल्कुल सर, कोशिश करूंगा। एक विसर्जन करके नाटक है, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने वो लिखा हुआ है और उसका एक पात्र है जयसी जो मैंने ऑन स्टेज भी किया हुआ है। उसका एक छोटा सा डायलॉग है, प्रतिमा में देवी नहीं तो कहाँ है देवी? कहीं भी नहीं, कोई नहीं जानता वो है भी या नहीं। फिर भी ये आडंबर मतों में असहिष्णुता, विद्वता का धम्म और शास्त्रों का प्राचीर गठन सिर्फ मिथक के लिए है। मिथ्या, तुम धनी हो मिथ्या, तुम धनी हो। वो एक्चुअली सर थिएटर में जब हम करते हैं तो कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक और उससे बहुत सहारा मिलता है। संगीत इसलिए सहायक है, आपके भावों में वो आपके भाव बिल्कुल भागने लगते हैं उसके बाद। थिएटर तो अपने आप में सारी कलाओं को समेटे हुए है ना। थिएटर में आप परफॉर्मिंग आर्ट भी है, विजुअल आर्ट भी है, लिटरेरी आर्ट भी है। तो थिएटर हैज क्रॉस द बाउंड्री ऑफ सो कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ आर्ट। राम आपने हमारे साथ एक नाटक किया था पर हमें खेलना है, वाहल के बच्चों के साथ हमने वो किया था। बिल्कुल, और आपने संगीत को उसमें सहयोग किया था जो बाद में सीसीआर हुआ था। तो आपको क्या अलग लगा उस नाटक में, बच्चों के उस नाटक में और बाकी नाटकों में? सर मैंने शो की शुरुआत में कहा था बच्चे जो होते हैं ना अपने से जीत होते हैं, लेकिन वो जिस चीज को करते हैं वो इतने अच्छे से करते हैं कि बड़े भी नहीं कर पाते। तो हम जब नाटक करते हैं हमें कहीं ना कहीं नाटक में खालीपन लगता है कि अरे इस आर्टिस्ट ने ये नहीं किया, इस आर्टिस्ट ने ये नहीं किया, इससे ये नहीं हुआ। लेकिन बच्चे बिल्कुल परफेक्ट, वो क्योंकि उनको पता है कि हम ही अभी मुझे अगर रोल करना है, मुझे एक 70 वर्ष के बुजुर्ग का किरदार करना है तो मैं दाढ़ी लगाऊंगा, थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल लगेगा। लेकिन बच्चों के साथ क्या है, वो बच्चों का नाटक है और बच्चों ने ही करना है। तो बच्चे बिल्कुल बिंदास होके, इनको ये भी नहीं पता कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। उसमें जो मजा है, उसमें जो मजा है, आपको लगना नहीं चाहिए कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, आप रियल हो जाएंगे। और जब आप रियल हो जाएंगे तो अपने आप मजा आएगा। जोशी सर मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। जी जी, भट्ट ने कहा कि राम जी के साथ में उन्होंने एक नाटक किया है, इसके पहले भी कुछ हमारे जो रंगमंच के कलाकार आए थे तो भट्ट ने कहा था कि मैंने इनके साथ भी नाटक किया है। ये भट्ट जी नाटक क्यों करते, नाटकीय आदमी क्यों है ये?
नाटकीय आदमी क्यों है, नाटक के बगैर तो आप सबसे पहले शो में भगवान जी सबसे पहले शो में आपने आपने पहले या दूसरे शो में ये कहा था कि मैं एक्टिंग करता हूँ जो ऑफिसर्स के सामने, आपने तो अपने आप को पहले ही एस्टेब्लिश कर दिया था कि सबसे बड़े नाटककार तो आप हो। आप मैंने आपसे कंसल्ट किया था, आप तो सीधा सीधा कर रहे हैं। तो मतलब इसका अर्थ मैं निकालूं कि भट्ट जी और आपके साथ इनके नाटक कर चुके हैं तभी आप इनके बचाव में उतर गए। आप तो देखिए नाटक हर आदमी करता है, मैं अपनी मदर के आगे कुछ और हूँ, वाइफ के आगे कुछ और हूँ, फादर के आगे कुछ और हूँ, स्टूडेंट्स के सामने कुछ और हूँ, कलीग के सामने कुछ और हूँ। तो नाटक तो जिंदगी का सबसे बड़ा अहम हिस्सा है, इसीलिए मैंने आपसे कहा राम से कि नाटक ने आर्ट की सारी परिभाषाओं को तोड़ दिया। तो सतीश सालुंखे जी यही कहते ना कि शास्त्र नहीं है, शास्त्र में मत बांधिए। अभी ज्योति गांधी जी ने लिखा, मैं बड़ा उत्सुक हूँ उनके कमेंट को देख के, दोनों कमेंट लिखा है, उन्होंने लिखा है कि मैंने टीचर शो की अलग डायरी बना ली है और वो डायरी में क्या लिख रही हैं, आपके मिर्ची बाबा के क्या कमेंट लिख रही हैं, मैं नहीं जानता। मिर्ची तो कोई अभी तक, मैं तो एक सीधा साधा सवाल किया, एक मासूम सा सवाल था सर। सर आपके जैसे सीधे साधे सवाल बारी बारी जाऊं सर, आपके बारी बारी जाऊं। दूसरा राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी का एक कमेंट आया कि सारंगी का रेफरेंस कहां से आ गया इसमें, सारंगी ऐसा वाद्य है जो इसकी ध्वनि मानव आवाज के सबसे नजदीक है। हाँ वो कह रहे कि मानव तो सत्य बात है जी, बिल्कुल सारंगी कहते हैं कि जो हम गायक है उसके सबसे करीब सारंगी है, संगत के लिए अगर सारंगी को यूज किया जाए तो वो बेटर है और अदर इंस्ट्रूमेंट से। लेकिन दुर्भाग्य है कि अब सारंगी न बनती है न बनाने वाले रह गए, बहुत कम हो गए। हमारे एक स्कॉलरशिप, हमारे सीसीआरटी के स्कॉलरशिप होल्डर मुराद इस वक्त पूरे देश का सबसे बड़ा मतलब एक बहुत प्रमुख सारंगी नवाज है, और इतना डिफिकल्ट वाद्य है, इतना डिफिकल्ट वाद्य बजाने के लिए, क्योंकि नाखून नहीं ये नकल यहां से बजता है और जब दर्द होता है ना बजाते बजाते खून आता है तो बस दर्द असहनीय होता है वो। इसीलिए राज कपूर का सबसे प्रिय वाद्य जो था वो सारंगी था, मानवीय कंठ के सबसे नजदीक। मैं चाहूंगा राम जी अपने पसंद का कोई गीत सुनाए बढ़िया सा। हाँ आपके जो पसंद है, जो आपको सबसे अच्छा सबसे प्रिय लगता हो, फिल्मी गैर फिल्मी गजल जो भी आपको अच्छा लगता हो। बहुत अच्छी बहुत अच्छी। मेरे मोरा करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला। ये जमीन और ये आसमां तेरे कब्जे में है दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, अब तेरे दर से जाए कहां। तू ही सुनता है सब की सदा, तू ही रखता है सब पे करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बहुत क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। इस सूफी संगीत के साथ आपने अमर भाव उसको जी जी सर, वो थोड़ा सा आवाज
मेरी आवाज कभी मुझे सुनाई देती है, कुछ बैक आ रहा है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, चलिए जैसा भी है, भगवान को अर्पण है जैसा भी है। बहुत अच्छे, नहीं नहीं बहुत अच्छे, यानी बहुत बढ़िया राम, हम भगवान और मौला से दोनों से प्रार्थना करेंगे कि वो राम पर जो है कर्म बनाए रखे, इसी तरह चाहिए को छूते रहे। आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहिए, सभी लोगों का आपका आशीर्वाद चाहिए, और आपका आशीर्वाद होगा तो भगवान अपने आप साथ में होंगे, ऊपर वाला देता है। जी जी बस मंजू पांडे जी कल सर जैसा राम ने कहा कि राम ने कहा कि उन्होंने शुरू में श्रीमती हेमा हरबोला जी से साल लगाना गुरु संगीत की हेमा हरबोला जी, तो परसों को हमारे साथ रहेंगे हेमा हरबोला जी परसों के शो में, और हमारे साथ रहेंगे हिमांशु पांडे मित्र नैनीताल से जो रंगमंच के साथ साथ और भी बहुत सारे कलाओं के ज्ञाता हैं। हिमांशु पांडे मित्र कल हमारे साथ रहेंगे, और आप तो परसों आपकी गुरु रहेंगे हमारे साथ हेमा हरबोला जी, तो आप देखना ना मिलेगा परसों का कार्यक्रम निश्चित रूप से, चेला पहले आ गया और गुरु बाद में, तो ये एक बड़ा अच्छा इत्तेफाक रहा इस शो में। और दर्शकों आज के लिए इतना ही पर्याप्त होगा क्योंकि हमारे समय की सीमा है एक घंटा, उससे हम ऊपर जा चुके हैं। धन्यवाद, और जोशी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवत सर आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप प्रकट होते रहते हैं। नमस्कार राम जी, अच्छी चटीले टिप्पणियों से हम सबको लाभान्वित, शुभकामनाएं, समस्त शुभकामनाएं, नमस्कार। कल शाम हमारे साथ होंगे हिमांशु पांडाल से, बहुत अच्छी जय जय, जब भी आएंगे आपके भी दर्शन करेंगे राम भाई, अभी भी तिरुपति आइए सर, जब भी तिरुपति जी बहुत सारे दर्शक जो हैं वो इच्छुक होंगे तिरुपति आने के, जैसे लॉकडाउन खुलेगा मदद करिएगा, जो भी आपसे मदद हो सकती है ना दर्शन कराने में, सभी का स्वागत। बस बस तिरुपति की कृपा रहनी चाहिए, बालाजी की जय, ओम श्री वेंकटेशाय नमः, जय बालाजी को नमस्कार। ओके सर, ठीक है, शाम को साथ में, ठीक है।